तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या मुझे कितने का पड़ा और मैंने कहाँ से लिया है। ये मैंने सारा चीज़ अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो ये आपको सबसे पहले मैं यूज़ करके आज सिखाऊंगा व्हाइट जेली रोल पेन। इसका कैसे यूज़ करते हैं, क्या कहाँ पर यूज़ होता है, कौन से मीडियम में यूज़ होता है, मैं सारा आपको यूज़ करके बताऊँगा। इसका तीन कैटेगरी आता है, थिन लाइन्स, थिक लाइन्स एंड मीडियम लाइन्स। आपको लाइन्स का खाली डिफरेंट पड़ेंगे। एंड इसका प्राइस का अगर बात करें तो ये मुझे पड़ा अराउंड 180 रुपीज़ का, जो कि आपका पूरा ब्रांड का है। और मैं इसका भी रिव्यू करूंगा, टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का, जो कि 2.3 mm राउंड लीड है एंड जिसका मुझे प्राइस पड़ा अराउंड आपका 360 रुपीज़। इसके साथ मुझे दो इसका रिफिल भी फ्री मिला है, तो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। एंड मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से है। ये एक्चुअली बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही यूज़ करने में भी इजी है। जस्ट आपको पीछे वाला इसका टिप प्रेस करना है आपको लीड निकालने के लिए, एंड लीड आप जितना चाहो उतना आउट कर सकते हो। एंड अगर आप राउंड टिप चाहो तो आप इसको ब्लेड से कट भी कर सकते हो। एंड उसी तरह से ये जेले रोल पेंस भी आता है, जैसे इसका इस तरह से पॉइंट मिलेगा आपको। एंड काफ़ी इजी है यूज़ करने में, तो आपको ट्यूटोरियल बना के भी मैं दिखा दूंगा। एंड अभी चलिए वीडियो में प्रोसीड करते हैं, तो एंड दिखाते हैं कि आपको एग्जांपल के एग्जांपल से कि किस तरह से कहाँ यूज़ करता है। तो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। तो यहाँ पे गाइज मैंने क्या किया है, मैंने ग्रेफाइट एंड चारकोल का, दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड लिया है। मैंने चारकोल का सॉफ्ट लिया है एंड चारकोल का हार्ड पेंसिल भी लिया है, और साथ में मैं एच पेंसिल का यूज़ करूँगा जो कि काफ़ी लाइट होता है। तो उसमें देखूँगा कि इरेजर का किस तरह से यूज़ होता है। एंड मैंने 10B का यूज़ किया है जो कि काफ़ी डार्क है, तो डार्क में भी देखेंगे किस तरह से यूज़ किया है। एंड सॉफ्ट पेंसिल जो कि बी में भी मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ बी पेंसिल में, कि ये भी किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वन बाई वन स्टेप मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं हार्ड पेंसिल का यूज करूंगा। अब आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे दो दो हैचिंग क्यों बनाए। मैं एक मर्ज करूंगा एंड एक बिना मर्ज करके देखूंगा कि दोनों में क्या इफेक्ट आता है। तो लेते हैं अपना जेली रोल पेन एंड सबसे पहले मैं यूज करूंगा ये 05 वाला, जो कि सबसे सबसे थिन लाइन है। ये काफी अच्छे से यूज हो रहा है, बट वीडियो में अपना प्रॉपर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो एज यू कैन सी, ये हार्ड वाला में सॉफ्ट वाला जो कि मैंने ब्लेंड किया है उसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। अब हार्ड वाला में ट्राई करते हैं। तो हार्ड वाले पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, डार्कर एरिया में ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब 08 वाला ट्राई करते हैं। लीड का थिकनेस का गाइस का डिफरेंस है, आप देखो 05 वाला काफ़ी थिन लाइंस आ रहा था, जबकि 08 वाला उससे थोड़ा सा थिक लाइंस है। हालांकि एक चीज़ तो श्योर है गाइस कि अगर आप सॉफ्ट वाला यूज़ करते हो चारकोल पेंसिल, इसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा आपको एंड मर्ज वाला में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपको। तो अगर आप स्टम्प का यूज़ करोगे तो शायद आपको पता नहीं किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, बट मैंने ब्रश से यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब मैं 10 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, तो 10 नंबर को देखते हैं कैसा होता है। ये खाली थिकनेस का अंतर है गाइस, देखो और कुछ नहीं है इसमें।
बट काफ़ी अच्छा तरह से यूज़र है। अब चलो ग्रेफाइट में इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेंसिल ग्रेफाइट बी का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डार्कर 10B का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। अब मैं फिर से इसको मर्ज करूँगा। चलो देखते हैं ब्लेंड करने के बाद ग्रेफाइट में इसका क्या रिजल्ट आता है। तो गैस मैंने यहाँ पे क्या देखा कि आपका चाहे चारकोल हो या ग्रेफाइट हो, दोनों में ही ये वाइट जेली रोल पेन बहुत बढ़िया से यूज़ हो रहा है। बट जिस जगह में ये मर्ज होगा एंड डार्कर होगा उस जगह में ज़्यादा विजिबल होगा। तो हम हाईलाइट के लिए इसे बहुत बढ़िया तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है बिकॉज अभी जस्ट मैंने मंगवाया है अमेजोन से। बट जैसे मैं यूज़ करूँगा इसकी ट्यूटोरियल मैं ज़रूर डाल दूंगा, किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। अब मैं आपको इरेजर के यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इरेजर के यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास टॉम्बो मोनो जीरो का इरेजर है। आप देख रहे हो ये काफ़ी लाइट है गाइस, ये बहुत ही लाइट है। और अगर आपको डिटेल वर्क में शार्पनेस का यूज़ करना है, जैसे बहुत सारा ऐसा जगह है जो कि आप शार्पनेस के लिए ये वाला इरेजर नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत थिक है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करोगे भी तो आप थोड़ा सा ये थिकनेस थोड़ा सा के बाद ख़त्म हो जाता है। और ये थिकनेस आपका ख़त्म नहीं होता बिकॉज इसको प्रेस करने से ये इरेजर निकलते रहता है। एंड इसको लीड चेंज करने का वे भी बहुत इजी है। आप यहाँ से जस्ट इसको पकड़ के बाहर निकाल के फिर से नया लीड डाल सकते हो। उसका लीड किस तरह से आता है मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉम्बो पैक में मंगवाया था जिसके साथ मुझे 2 रिफिल फ्री मिला है। तो कुछ इस तरह का कंटेनर में आपको 2 रिफिल फ्री मिलेगा। तो यही है कुछ इस तरह का देखने वाला रिफिल। अब देख रहे हो कि रेजर इतना ही है एंड ये आपको साथ में लीड मिला है जिसके थ्रू आप इससे इस तरह से इसको इंसर्ट करके एंड ये रेजर फिर आप सेट कर सकते हो। तो कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। पहले मैं चारकोल को सॉफ्ट से ड्रॉ करूंगा। ये दोनों चारकोल का सॉफ्ट से ही मैंने बनाया है। तो एक को मैं क्या करूंगा, एक को मर्ज करूंगा। तो एक को मैंने मर्ज कर दिया है एंड एक को विदाउट मर्ज में ट्राई करेंगे, विच इज हार्ड से भी कर लेते हैं। तो ये मेरा है सॉफ्ट, ये मेरा है हार्ड। अब हम पहले मैकेनिकल इरेजर से देखते हैं कि किस तरह से मोनोजीरो इरेजर से देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट करता है।
तो आप देखोगे कि जैसे मैंने मोनोरेजर को बिना ब्लेंड किए हुए एरिया पे यूज़ किया तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ मैंने यूज़ किया है उसको। जैसे ब्लेंड वाले पे मैं यूज़ करता हूँ वो काफ़ी समझ में आ रहा है, और जब आप इसको टिप को देखोगे तो काफ़ी हार्ड, एंड करने के बाद ये आपका थोड़ा सा इसमें आपका स्मूथनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, कटर लेके इस तरह से जो आपको पेंसिल कटर मिलता है, आपको जो पेपर कटर जो भी मिलता है, आप इसका ब्लेड से इसको कट कर सकते हो, ताकि आपको अगर फिर से शार्प पॉइंट की ज़रूरत हो। ये हार्ड में हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी, नो डाउट कि ये ब्लेंड वाले एरिया पे ही ज़्यादा इरेजर अच्छे से काम कर रहा है। और अगर हम नॉर्मल सकुरा का इरेजर लेते हैं, उसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो सकुरा बोलते हैं कि जब आप इससे रब करोगे तो ज़्यादा इसमें आपका जो भी इरेजर का स्टेगनेंट वाला पार्ट है वो नहीं होगा, जिस तरह बहुत सारा आपका ये इरेज करने के बाद वो टुकड़ा टुकड़ा आपका डिपॉजिट हो जाता है वो नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी इरेजर। आप लार्ज एरिया जो भी है या फिर आपका जो भी थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है लार्ज एरिया में, तो आप उस जगह में इस इरेजर का यूज़ कर सकते हो। अब चलो इसको ग्रेफाइट में यूज़ करके देखते हैं। अभी मैंने सॉफ्ट बी पेंसिल का यूज़ किया है। अब मैं 10B डार्क से भी देख लेता हूँ। एंड हार्ड जो कि मैंने एच पेंसिल लिया था उसका भी यूज़ करके देखता है। तो ये मेरा है 10B और ये है मेरा H। तो एक एक साइड 10B को भी मर्ज करता है, H को भी मर्ज करता है। नाउ ये तीनों मर्ज है, ब्लेंड मैंने कर दिया है, ऊपर वाले को मैंने ब्लेंड नहीं किया है। तो एक चीज़ आप देखोगे गाइस इसमें कि हार्ड वाला जो था जिसको बिना मर्ज किए भी बिना ब्लेंड किए भी आप इसमें इरेजर का काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हो, बट बाकी सारा सेट्स पे मुझे नहीं लगता कि आप इरेजर अच्छे से यूज़ कर पाओगे बिना ब्लेंडिंग का। एज यू कैन सी ये ब्लेंडिंग में काफ़ी बेटर तरीके से यूज़ हो रहा है। तो आप ब्लेंडिंग में इसे बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हो। एंड हालांकि जहाँ तक ये सकुरा के इरेजर का बात है तो मुझे लगता है ये सारे सेट्स में आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज बिकॉज मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज डू वॉच माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।